हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप हैं चैनल हेल्पिंग अभी पे, जिसपे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है, ऑलरेडी आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा कि हर महीने आप 10 से 15 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैं अपने सब वीडियो में फ्रीलैंसिंग के ऊपर ही बताता हूँ, तो ये भी एक फ्रीलैंसिंग की वेबसाइट है। और सबसे अच्छी बात है कि जो आज ये वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, जिसका नाम है वर्क एंड हायर, जो कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में और यहाँ पर मैक्सिमम इंडियंस ही वर्क करते हैं। तो देख रहा हूँ मैं कि काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है कि वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, चाहे अपवर्क पे हो, फाइबर पे हो, पीपल फॉर आर्ट पे हो या गुरु.com पे हो, चूँकि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत अधिक है। तो हमने सोचा चलो आपके साथ ये शेयर करेंगे। ये अच्छी वेबसाइट भी है और इंडियंस के लिए है, तो आपको ज़रूर यहाँ पर जॉब मिलेगी और जल्दी आप मुझे बोलेंगे यस आई हैव गॉट द जॉब। तो इसलिए मैं आज ये शेयर कर रहा हूँ और बकायदा डेस्कटॉप पे मैंने अच्छे से बताया प्रोसेस वाइज साइन अप कैसे करेंगे जो नए फ्रीलांसर हैं, और मैंने बिड करके भी एक डेटा एंट्री के जॉब पे दिखाया है कैसे आप बिड करेंगे, कैसे आप अपने प्रपोजल को सबमिट करेंगे। ये जो चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी आसान कर देगी आपको समझने में, तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखेंगे ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ आ जाए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जल्द ही जॉब मिलेगी और 10 से 15 हज़ार रुपये जो अर्न है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी मैं वेबसाइट के बारे में बताऊँगा, जो कि अलग, चाहे प्रोग्रामर के लिए हो, डेवलपर के लिए हो, डिज़ाइनर के लिए हो, या एडमिन सर्विस के लिए हो, या फिर दूसरे IT टेक्नोलॉजी, किसी भी कैटेगरी से हो, मैं सबके लिए अलग कैटेगरी वाइज बना दूंगा। तो आप ज़रूर अपना बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और अपना प्यार ज़रूर हमें दिखाएं अपने कमेंट के थ्रू, और लाइक बटन दबा दें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और मैं आज आपको बताऊंगा कि घर से बैठकर आप कैसे 10 से 15 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं। ये भी एक फ्रीलांसिंग साइट ही है, पहले भी मैंने आपको बता रखा है, जैसे अपवर्क हो, फाइवर हो, पीपल पर आर हो, गुरु.com हो, तो आप इस पर जाके अर्न कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन टफ हो चुका है स्पेशली इंडियंस के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आज मैं आपके सामने एक वेबसाइट बता रहा हूँ, ये भी एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, इसका नाम है वर्क एंड हायर, स्पेशली इंडियंस के लिए। यहाँ पे काफ़ी इंडियंस काम करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे प्रोग्रामर्स हो, डेवलपर हो, डिज़ाइनर हो, सेल्स मार्केटिंग राइटर्स हो, डेटा एंट्री के काम भी यहाँ पर हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग है, इंटरनेट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो होता क्या है कि देखिए, जब हमें वर्क वहाँ पे नहीं मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी साइट्स हैं, मैं उसकी पूरी लिस्ट आपको दूंगा कि डिज़ाइनर के लिए, राइटर के लिए, अकाउंटिंग वगैरह के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, या फिर डेवलपर्स जो साइट पर जाकर के ज़्यादा बेहतर वर्क कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने में जो वर्क एंड हायर साइट है, यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगे, हायर एक्सपर्ट, फाइंड वर्क, हाउ इट वर्क्स, अबाउट अस, अ ब्लॉग। ओके, तो जिन्होंने साइन अप नहीं किया है तो सबसे पहले वो साइन अप कर लें, ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जिन्होंने साइन अप, यानी कि जो नए हैं, वो क्या करेंगे, साइन अप पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे आई वॉन्ट टू हायर। ओके, फिर आपको ऑप्शन आएंगे अगर आप क्लाइंट हैं, अगर आप किसी को हायर करना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू हायर पे आप करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, एज ए फ्रीलांसर वर्क करना है, तो आप आई वॉन्ट टू वर्क एज एन इंडिविजुअल कंपनी। तो बेसिकली हम लोग अभी इंडिविजुअल पे ही काम करेंगे, तो इंडिविजुअल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि चाहे तो आप अपने फेसबुक से, गूगल से या लिंक्डइन प्रोफाइल से आप अपना अकाउंट डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर नहीं चाहते हैं अगर कि मैं इन सोशल साइट्स के थ्रू मैं अपना साइन अप करूं, तो आप डायरेक्ट आप यहां पर यूज़र नेम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और वेरीफाई पासवर्ड करके सबमिट कर देंगे। ओके, फिर आपको आएगी यहां पर अपडेट योर प्रोफाइल, ठीक है, तो अपनी प्रोफाइल को आप यहां से अपडेट कर सकते हैं और फिर बाद में इनवाइट फ्रेंड्स, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो चलिए
यहाँ पर देखिए कि ऑलरेडी जो मेरे अकाउंट बहुत पहले मैंने बना रखा था, इस पर कभी मैं विजिट करता ही नहीं था। सोचा कि चलो ये बताना जरूरी है, क्योंकि और सब साइट पे काफी ज्यादा ट्रैफिक हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा कम आता है जॉब, बट आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, ना से तो बेहतर है। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा जॉब अच्छा वगैरह ले लेते हो, रेटिंग ले लेते हो, तो फिर आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप 10-15 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे बाय जॉब कैटेगरी है, तो उसके पहले मैं बताऊँगा ऊपर में जो मैंने क्रिएट किया, आप उस पर क्लिक करेंगे और एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे, तो यहाँ पर जा करके अपना प्रोफाइल आप बना सकते हैं। नाम और टैगलाइन वगैरह के, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट हैं आप, फोटोशॉप आता है वगैरह सब यहाँ पर डाल करके आप। ऑलरेडी मैंने जो पहले भी जो बताया, अकाउंट क्रिएट चाहे पीपल पर आर हो चाहे अपवर्क हो, सब सेम ही चलता है। एड्रेस आप लिख देंगे यहाँ पर अपना, कंट्री, फोन वगैरह लिख करके, और अब अबाउट एंड अपने बारे में, यानी ओवरव्यू जो होता है, ये स्पेशली मैंने बताया है आपको, अपवर्क वाले में भी बताया है, तो आप उसको जरूर देख ले। और आप यहाँ पर अपने बारे में कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या काम दे सकते हैं क्लाइंट को करके, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं कि कैसे ओवरव्यू लिखा जाता है अबाउट अपने बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद आप पेमेंट पे आएंगे। पेमेंट में विड्रॉवल मेथड जो है यहाँ पर, कि आप जो पैसे जब अर्न करते हैं तो पैसे आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है NEFT ट्रांसफ़र और बैंक चेक। ओके, तो INR में, इंडियन रुपी में है, तो 5 रुपये आपका कटेगा विड्रॉवल के लिए जो आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप एड नाउ में है, यहाँ पर आप जैसे एड नाउ करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे बेनिफिशरी नेम लिखेंगे, यानी जिस अकाउंट में पैसा जाएगा वो जो अकाउंट होल्डर है उनका नाम लिखेंगे। ओके, बेनिफिशरी नेम लिखेंगे, बेनिफिशरी अकाउंट नंबर लिखेंगे, यानी कि जिस बैंक का अकाउंट नंबर आप डालेंगे, और बेनिफिशरी अकाउंट टाइप यानी किस तरह का है, वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और IFSC कोड उस बैंक का डाल देंगे। अगर नहीं भी है तो आप चेक में देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा रहता है, या फिर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे अपने बैंक का, तो आपको IFSC कोड मिल जाएगा ये, और इसको सेव कर ले, विड्रॉल मेथड आप ऐड कर ले। ठीक है, हमें इतना वक्त नहीं मिलता है कि मैं और इस साइट पे वर्क कर सकूँ, इसलिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप को वीडियो अच्छी लगेगी, डिमांड करेंगे, तो आप इतना कंप्लीट कर ले, और करने के बाद पेमेंट मेथड आपने ऐड कर लिया है, अपनी प्रोफाइल आप डाल दी हो, और यहाँ पर आपको जाना है वर्क में। ठीक है, जैसे आप वर्क में जाते हो तो वर्क में आपको सर्च जॉब्स में जाना है। ठीक है, अब सर्च जॉब में जाने के बाद आपको दिखेगी इधर लेफ्ट साइड में बहुत सारे कैटेगरी है, तो बाय जॉब कैटेगरी आप देखेंगे IT इन प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइन, राइटिंग, कंटेंट, ट्रांसलेशन, डेटा एंट्री, एडमिन है, तो ये सब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 हज़ार रुपये से कम की जॉब जो है, या फिर 5 हज़ार से 20 हज़ार के बीच में, जो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फीचर्ड जॉब्स, फुल टाइम, तो अपने हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जैसे भी हो। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पर डेटा एंट्री एंड एडमिन में जाता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं डेटा एंट्री एंड एडमिन में गया, तो यहाँ पर भी आपको कुछ जॉब्स दिखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी क्लाइंट के द्वारा पोस्ट किया गया, और सबसे अच्छी बात ये देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो इंडियंस हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे, आपको फ्लैग से पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैक्सिमम जो वर्क करने वाले हैं वो इंडियंस हैं, तो इसलिए ये साइट जो है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी पॉपुलर है हम इंडियंस इंडियंस के लिए, और यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब्स बहुत कम है, इसको मैं एग्री करता हूँ इस बात को, बट डेफिनेटली आप ट्राई तो कर सकते हैं ना, जब ट्राई करेंगे तभी तो सक्सेस मिलेगा, पहले मैदान में आइए तभी तो हार जीत का फैसला होगा, आइएगा ही नहीं तो फिर जीतिएगा कैसे, पहले हार चुके हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे डेटा एंट्री इमेज टू एक्सेल टू है, चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ। हमने इसे ओपन कर लिया। ओके, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे डेटा एंट्री इमेज टू एक्सेल है। ठीक है, ये किसी ने पोस्ट किया है, ये नाम है AGITNS, इनका जो भी यूजर नेम है। ओके, टोटल पेमेंट अभी तक इन्होंने 61,442, तो ट्रस्टेड है,
आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए क्या है, पहले बजट देखिए, लेस देन 5,000 रुपीज़, ओके। टाइम लेफ्ट 5 डेज, 19 आवर्स अभी बचे हुए हैं। एनी वेयर कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में रहने वाले हैं तो, और चाहे बाहर से भी आप कर सकते हो, ओके। लेस देन 1 वीक इनका टाइम फ्रेम है, वट एवर जो भी है। अभी तक टोटल बेड जो है वो 13 हो चुके हैं सील्ड, यस। और इसमें क्या होता है कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि वर्क क्या करना है, क्लाइंट क्या चाहता है हमसे वर्क। तो स्किल्स रिक्वायर्ड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डेटा एंट्री, टाइपिंग है। सिंपली डेटा एंट्री का वर्क है जिसमें बोला जा रहा है फ्रीलांसर विद गुड टाइपिंग स्पीड फॉर एक्यूरेटली एंटरिंग अराउंड 350 प्रोडक्ट्स इन एक्सेल, वर्क नीड्स टू बी कम्प्लीटेड विद इन 3 आवर्स, बजट इज ₹200। इन्होंने क्लियरली मैंशन कर दिया है भाई 350 प्रोडक्ट है इनको एक्सेल में, उसके प्रोडक्ट को एंट्री करवानी है, ओके। सिंपल वर्क है, जो बोल रहा है कि पहले ही मेरा बजट कितना है 200, अगर इसके ऊपर आप जाइएगा तो आपके बेड्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्लाइंट देखेंगे भी नहीं। तो इम्पॉर्टेंट ये जो क्लाइंट ने पहले ही मेंशन कर दिया है बजट इज ₹200, ओके। क्योंकि ये इंडियन साइट है तो इसलिए पेमेंट यहाँ पे कम होती है, खैर कोई नहीं, बट थोड़ा थोड़ा से ही कहते हैं ना, बूंद बूंद से समंदर भरता है। तो बिल्कुल आप इस पे अप्लाई करें, होपफुली जॉब मिले आप लोगों को। अब देखिए ये मैंने पढ़ लिया और इसके बाद मैं क्या, मैंने इसे पढ़ के भी देखा और इसे मैं लिख रखा था ताकि वक्त बच जाए। और मैंने जैसे लिखा हेलो, यहाँ पर इसे मैं कॉपी कर सकता हूँ, ओके, कॉपी करके, ठीक है, हेलो ये लिख दिया। और मैंने लिखा आई हैव गॉन थ्रू योर प्रपोजल एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट आई कैन डू योर जॉब वेरी एफिशिएंटली विद इन 3 आवर्स। मैंने आपके प्रपोजल को पढ़ा है और मैं श्योर करता हूँ कि आपके जॉब को मैं बहुत अच्छे ढंग से कर दूंगा विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर में, ओके। और आई चार्ज रुपीज़ टू हंड्रेड for entering around 350 products in Excel. I would be glad to do this job and leave you fully satisfied with my work at the end. मैंने बोल क्योंकि मैंने पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया तो इसलिए मैंने पहले मेंशन कर दिया कि मैं ₹200 चार्ज करूँगा इसके लिए 350 प्रोडक्ट एक्सेल में एंट्री करने के लिए, ओके। आई हैव अ गुड टाइपिंग स्पीड, मैंने मैंशन कर दिया 60 words per minute है, विच वुड हेल्प मी टू डिलीवर यू द कम्प्लीट वर्क एट द लीस्ट पॉसिबल टाइम and that too at affordable cost, already mentioned है, okay। I would be grateful if you choose me for this job, actual cost is 200। अब देखिए इतना तो मैंने लिख दिया, okay। चाहता तो और भी लिख सकता था लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैं इतना भी नहीं लिखता हूँ जो मैं अपर पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो चूँकि आप लोग को, चूँकि आप लोग न्यू हैं, फ्लैशिंग कर रहे हैं, तो इतना लिखना चलिए ठीक है, ओके। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं बाद में सबमिट करना तो आप इसे टिक कर दें। और प्रपोजल अमाउंट 200 है तो 200 जैसे आप यहाँ पे एंट्री कर दें, तो जैसे 200 आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको शो करता है वर्क एंड हायर फीस, ओके। वर्क एंड हायर फीस जो है वो ₹11 है, वो उनकी चार्जेस हैं साइट की, तो वो कट कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। और पेड टू यू यानी हमें जो मिलेगा 189। और एस्टिमेटेड ड्यूरेशन तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इनको तो जल्दी चाहिए 3 घंटे में, तो 1 डे ही आप सेलेक्ट करें। और उसके बाद प्रीव्यू एंड पोस्ट करना है, ओके। प्रीव्यू एंड पोस्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है प्रीव्यू योर प्रपोजल, यानी आप अपने प्रपोजल को एक बार देख लीजिए कि आपने क्या लिखा है। अगर कुछ आपको चेंजेस करना है, कुछ करना है, तो आप आराम से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो मैंने लिखा था वही है और सब चीज़ सही है। उसके बाद मैं यहाँ सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सबमिट प्रपोजल पे जैसे क्लिक किया, योर प्रपोजल हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू द क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट के पास ये हमारा प्रपोजल पहुँच चुका है। तो देखिए कैसे, किस तरीके से हमने वर्क एंड हायर पे, जो बेसिकली इंडियंस के लिए है, यहाँ पर हमने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया और उसके बाद
हमने एक डेटा एंट्री के जॉब पे अप्लाई किया, और फिर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है आप जरूर पूछ सकते हैं। और विड्रॉल मेथड जो है वो भी हमने ऐड करने के लिए आपको बताया, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी वेबसाइट है, इस पे वर्क कर सकते हैं आप, देखिए ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको जल्दी जल्दी जॉब मिले, और इस तरह के जो वीडियोस में अभी फ्रीलांसिंग के बहुत सारे वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ वो फुली आपके लिए जरूर कारगर होगा, क्योंकि 3-4 वेबसाइट में आप देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण वर्क नहीं हो पा रहा है सबसे, या फिर वर्क वहाँ पे उनकी जो भी प्रोफाइल उनको ब्लॉक कर दी जा रही है। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने जरूर रिव्यू जरूर बताएं, आप कमेंट जरूर करें, और अभी भाई को जरूर, अगर कुछ जो भी नए हैं तो अभी भाई को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और उसके बाद अपने व्यूज जरूर आप कमेंट सेक्शन में डालें कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी अगर फ्रीलांसिंग के ऊपर देखना चाहते हैं तो लगभग 300 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, आप जा करके देख सकते हैं, चाहे वो अपवर्क पे हो, चाहे पीपल पर आर पे हो, चाहे फाइवर पे हो, उस पर टिप्स ट्रिक्स जो भी है मैंने सारे डाले हैं, और जो हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं फुली, और मुझे बस यही आउटपुट चाहिए आप लोगों से, बस आप लोग से ये सुनना चाहता हूँ कि यस आई हैव गॉट द जॉब, दैट्स इट, मेरा ये मोटो है, और जल्द मैं सुनना चाहता हूँ सबसे। तो आज के लिए इतना ही, और हर बार की तरह मैं यही बोलूंगा कि बस दुआओं में याद रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।